बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सैलर मैरिन का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के जो ऑपोजिट वर्ड यानी सरनेम एंटोनिम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट। दोस्तों ट्रस्ट का मतलब होता है एतमाद, और ट्रस्ट का जो ऑपोजिट वर्ड है दोस्तों वो है सस्पेक्ट, और सस्पेक्ट का दोस्तों मतलब होता है शक। ट्रस्ट सस्पेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का दोस्तों मतलब होता है हादसाती। तो एक्सीडेंटल का जो ऑपोजिट वर्ड है दोस्तों वो है इंटेंशनल। तो इंटेंशनल का दोस्तों मतलब होता है जानबूझकर। एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों कबूल करना, और टू एक्सेप्ट का दोस्तों जो ऑपोजिट वर्ड है दोस्तों वो है टू रिफ्यूज। टू रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार। टू एक्सेप्ट, टू रिफ्यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Absence। Absence का मतलब होता है दोस्तों गैर हाजिरी, और absence का जो ऑब्जर्व वर्ड है वो है presence। Presence का मतलब होता है मौजूदगी। Absence, presence। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है above। Above का मतलब होता है ऊपर। Above का ऑब्जर्व वर्ड है बिलो। तो बिलो का मतलब होता है नीचे। Above, बिलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सरगर्म। तो एक्टिव का ऑब्जर्व वर्ड है लेजी। लेजी का मतलब होता है काहिल या सुस्त। एक्टिव, लेजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है एतराफ करना या तस्लीम करना। एडमिट का ऑपोजिट वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब है इनकार करना। एडमिट, डिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट। अडल्ट का मतलब होता है जवान। अडल्ट का ऑपोजिट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे। अडल्ट, चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब होता है आला या जदीद। तो एडवांस्ड का ऑपोजिट वर्ड है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब है इब्तदाई या बुनियादी। एडवांस्ड, एलिमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ या दहशत जदा। तो अफ्रेड का ऑप्शन वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब दलेर, जरूरतमंद या बहादुर। तो अफ्रेड, ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है इकरारी या मुस्बत। तो अफर्मेटिव का जो ऑपोजिट है वो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी। अफर्मेटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। आफ्टर का ऑप्शन वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब पहले। आफ्टर, बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, और अगेंस्ट का ऑपोजिट वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब है के लिए। अगेंस्ट, फॉर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ। अलाउ का मतलब इजाजत देना। अलाउ का ऑपोजिट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है मना करना। अलाउ, फॉरबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से। ऑलरेडी का ऑपोजिट वर्ड है नॉट येट। नॉट येट का मतलब है अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, ऑलरेडी, नॉट येट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। ऑलवेज का ऑपोजिट वर्ड है नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब है कदीम या पुराना। एंशिएंट का मतलब कदीम या पुराना। इनका मतलब है ऑपोजिट वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है जदीद। तो एंशिएंट, मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट। अपार्ट का मतलब अलग या जुदा जुदा। तो अपार्ट का ऑपोजिट वर्ड है टूगेदर। टूगेदर का मतलब है इकट्ठे, बहम। तो अपार्ट, टूगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब है कमोबेश लगभग। तो इसका जो ऑप्शन वर्ड है वो है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल सही या बजा। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब है बहस करना। आर्ग्यू, बहस करना। तो इसका ऑप्शन वर्ड है एग्री। एग्री का मतलब मुतफिक होना। आर्ग्यू, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आमद। अराइवल, आमद। अराइवल का जो ऑपोजिट वर्ड है दोस्तों वो है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब है रवानगी। अराइवल, डिपार्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई। आर्टिफिशियल, मसनूई। आर्टिफिशियल का जो ऑप्शन वर्ड है वो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कुदरती। आर्टिफिशियल, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्लीप। अस्लीप का मतलब नींद की हालत में सोया हुआ। तो इसका ऑप्शन वर्ड है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, बेदार होना। अस्लीप, अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना या हमला। तो इसका ऑप्शन वर्ड है डिफेंड। तो डिफेंड का मतलब है दिफा करना या बचाव करना। तो अटैक, डिफेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछली तरफ का, पीछे। तो इसका ऑप्शन वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है आगे तरफ, आगे, आगे की तरफ, मुस्तकबिल में। बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्चून, गुड लक। इसका मतलब है मुकद्दर, नसीब, तकदीर या किस्मत। तो इसका वर्ड है बैड लक। बैड लक का मतलब है बदनसीबी या बदकिस्मती। तो फॉर्चून, गुड लक, बैड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्लीनेस। अग्लीनेस का मतलब होता है बदसूरती। तो इसका ऑप्शन वर्ड है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब है खूबसूरती। तो अग्लीनेस, ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट, बेहतरीन। और बेस्ट का ऑप्शन वर्ड है रॉस्ट। इसका मतलब है सबसे बुरा। तो बेस्ट,
वास्ट, जो भी लफ्ज़ है ये मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बोरो, इसका मतलब है उधार लेना। टू बोरो का ऑपोजिट वर्ड है टू लेंड, कर्ज देना, टू बोरो टू लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप, इसका मतलब है चोटी, तो इसका ऑप्शन बढ़ा है बॉटम, इसका मतलब है निचला हिस्सा, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रेक, इसका मतलब है तोड़ना, तो इसका ऑप्शन बढ़ा है टू मेंड, इसका मतलब है मरम्मत करना, टू ब्रेक टू मेंड, टू ब्रेक टू मेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब दोस्तों कुशादा बड़ा, मतलब जो आप बोलते हैं कुशादा माइंड या बड़ा जेन, तो इसका ऑप्शन वर्ड है नैरो, इसका मतलब है महदूद होना या तंग होना, तो ब्रॉड नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिल्ड, इसका मतलब है तमीर करना या कोई चीज बनाना, तो इसका ऑप्शन वर्ड है टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, टू बिल्ड टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयरफुल, इसका मतलब है फिक्रमंद, केयरफुल फिक्रमंद, इसका ऑप्शन वर्ड है केयरलेस, इसका मतलब लापरवाह गाफिर, केयरफुल केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीप, इसका मतलब है सस्ता, इसका ऑप्शन वर्ड है एक्सपेंसिव, इसका मतलब है महंगा, चीप एक्सपेंसिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन साफ, क्लीन का मतलब साफ, और इसका ऑप्शन वर्ड है डर्टी, डर्टी का मतलब है गंदा, डर्टी का मतलब है गंदा, क्लीन डर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवर, इसका मतलब है जहीन, क्लेवर जहीन, इसका ऑप्शन वर्ड है स्टूपिड, इसका मतलब है कम अकल या बेअकल, तो क्लीन स्टूपिड, नेक्स्ट सॉरी क्लेवर स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब है मजा या मजाहिया बात, तो इसका ऑपोजिट वर्ड है ट्रेजडी, इसका मतलब है सानिया, कॉमेडी ट्रेजडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, सिंपल का मतलब है सादा, इसका ऑपोजिट वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब है पचीदा, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब है तुहीन बेइज्जती, इंसल्ट तुहीन बेइज्जती, इसका ऑपोजिट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ, इंसल्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब है मिलाना जोड़ना, तो इसका ऑप्शन वर्ड है सेपरेट, सेपरेट का मतलब है अलग करना या तकसीम करना, कनेक्ट सेपरेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूअल, क्रूअल का मतलब है जालम, और इसका ऑप्शन वर्ड है काइंड नरम दिल, क्रूअल काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई, चीखना चलाना या चीख उठना, इसका ऑप्शन वर्ड है विस्पर, इसका मतलब है आस्ता आवाज में बोलना या सरगोशी, क्राई विस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमेज, डैमेज का मतलब है नुकसान पहुंचाना, डैमेज का ऑपोजिट वर्ड है रिपेयर, इसका मतलब है मरम्मत करना या ठीक करना, तो डैमेज रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजरस, इसका मतलब है खतरनाक, तो इसका ऑपोजिट वर्ड है सेफ, तो इसका मतलब है महफूज, डेंजरस सेफ महफूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन, डॉन का मतलब है फजर, और इसका ऑपोजिट वर्ड है डस्ट, इसका मतलब है मगरब या सूरज गुरूब होने का वक्त, डॉन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप गहरा, तो डीप का ऑपोजिट वर्ड है शैलो, इसका मतलब है सतही या गहराई कम होना, डीप शैलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री, इसका मतलब है फतह, तो इसका ऑप्शन वर्ड है डिफीट, इसका मतलब है शिकेस्त, विक्ट्री डिफीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब है आमरियत, और इसका ऑप्शन वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका मतलब है जमहूरियत, डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरन, गैर मुल्की, इसका ऑप्शन वर्ड है डोमेस्टिक घरेलू, फॉरन डोमेस्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कुछ नहीं या खाली, तो नथिंग का ऑप्शन वर्ड है एवरीथिंग सब कुछ हर चीज, नथिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस, इसका मतलब है कामयाबी, तो इसका ऑप्शन वर्ड है फेलुअर, इसका मतलब है नाकामी, सक्सेस फेलुअर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू चंद थोड़े, तो मैनी का मतलब है दोस्तों कसीर तदा या अक्सर, फ्यू मैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्ट, इसका मतलब है घुलना पिघलना, तो इसका ऑप्शन वर्ड है फ्रीज जम जाना, मिल्ट फ्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकुलर, इसका मतलब मखसूस, तो इसका ऑप्शन वर्ड है जनरल, इसका मतलब अमूमी, पार्टिकुलर क्यूलर और जनरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल, इसका मतलब है जहन्नम, और इसका ऑप्शन वर्ड है हीवन, इसका मतलब है जन्नत, हिल हीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजेंटल, इसका मतलब है उफकी, हॉरिजेंटल उफकी, इसका ऑप्शन वर्ड है वर्टिकल अमूमी अमूदी सॉरी अमूदी, हॉरिजेंटल वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनार्की, मिनार्की, मिनार्की का मतलब होता है बादशाहत, और मिनार्की का ऑपोजिट वर्ड है रिपब्लिक, इसका है जमहूरिया, मिनार्की रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब मुखालिफ, और इसका ऑपोजिट वर्ड है सपोर्टर, इसका मतलब है हामी, अपोनेंट सपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलाइट, इसका मतलब है महजब खुश अखलाक, और इसका ऑपोजिट वर्ड है रूड बदतमीज, पोलाइट रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी, इसका मतलब है गुर्बत या गरीब होना, इसका ऑप्शन वर्ड है वेल्थ मालित या मालदार होना, पॉवर्टी वेल्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समूथ, इसका मतलब है हमवार, और इसका ऑप्शन वर्ड है रफ यानी खुरदरा, समूथ रफ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक